नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ब्रश टूल के बारे में। फोटोशॉप पेंटिंग और इमेज एडिटिंग के लिए कई टूल्स प्रोवाइड करता है, जिनमें से एक है ब्रश टूल। जिस तरह से हम कागज़ पर पेंटिंग या ड्राइंग करते हैं, उसी तरह से फोटोशॉप में ब्रश टूल और पेंसिल टूल से पेंटिंग या ड्राइंग कर सकते हैं। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सबसे पहले टूल्स पैलेट पे जाएंगे और यहाँ से ब्रश टूल सिलेक्ट करेंगे, जिसका शॉर्टकट है B। अगर आप कीबोर्ड का यूज़ करके ब्रश टूल को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से B की प्रेस कर सकते हैं। ब्रश टूल सिलेक्ट करते ही आपका कर्सर एक सर्कल में चेंज हो जाएगा। अब इसे आप पेंट कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे ब्लैक कलर पेंट हो रहा है क्योंकि फोरग्राउंड कलर स्वाच पे ब्लैक कलर सिलेक्ट है। फोरग्राउंड कलर स्वाच पे क्लिक करके यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं इस तरह से। अब अगर हम ब्रश से पेंटिंग करेंगे तो ये ब्लू कलर से पेंट होगा। पेंटिंग के लिए आप यहाँ पे कलर स्वाच से भी कलर चेंज कर सकते हैं। पेंटिंग करते वक्त आपको पता होना जरूरी है कि आपके ब्रश का सेंटर कहाँ है। इसके लिए हम एप्लीकेशंस बार पे एडिट में जाके प्रेफरेंसेस में कर्सर्स ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे शो क्रोसहेयर इन ब्रश टिप ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। अब जब भी हम पेंटिंग करेंगे तो ब्रश के बीच सेंटर में क्रोसहेयर देख सकेंगे। अब ऑप्शंस बार पे चलते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन है ब्रश प्रीसेट पिकर, इसे ओपन करेंगे। यहाँ से हम ब्रश की साइज कंट्रोल कर सकेंगे। इस स्लाइडर को लेफ्ट या राइट साइड पे मूव करके ब्रश की साइज को डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे एक लिमिटेशन ये है कि जब हम ब्रश की साइज चेंज करते हैं तो उसका प्रीव्यू देख नहीं पाते। इसके लिए हमें हर बार कर्सर को ब्रश प्रीसेट पिकर के बाहर लाना होगा और तब जाके ब्रश की साइज देख सकेंगे। इसके लिए आसान ट्रिक ये है कि हम लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट और राइट स्क्वायर ब्रैकेट को बारी बारी प्रेस करके ब्रश की साइज को डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है ब्रश की हार्डनेस। अगर हम यहाँ पे ब्रश की हार्डनेस 0% रखेंगे तो ब्रश से पेंट करते वक्त ये चीज सॉफ्ट रहेगी, और अगर हम ब्रश की हार्डनेस 100% रखते हैं तो ब्रश से पेंट करते वक्त एजिस हार्ड रहेगी इस तरह से। अब अगर हम ब्रश के डायमीटर और हार्डनेस दोनों को एक साथ कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑल्ट प्लस राइट क्लिक प्रेस एंड होल्ड करेंगे। इसके साथ ही हम रेड कलर में ब्रश का डायमीटर, हार्डनेस और ओपेसिटी एक साथ देख सकेंगे। अब ऑल्ट की को रिलीज कर देंगे और राइट क्लिक को प्रेस एंड होल्ड रखेंगे। अब अगर हमें ब्रश की साइज इंक्रीज करनी है तो माउस को राइट साइड की ओर ड्रैग करना है, और अगर ब्रश की साइज डिक्रीज करनी है तो माउस को लेफ्ट साइड की ओर ड्रैग करेंगे। अब अगर ब्रश की हार्डनेस इंक्रीज करनी है तो माउस को नीचे की ओर ड्रैग करना है, और अगर ब्रश की हार्डनेस को डिक्रीज करना है तो माउस को ऊपर की ओर ड्रैग करेंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट ऑप्शन है टूगल द ब्रश सेटिंग पैनल। इस पे क्लिक करते ही ब्रश सेटिंग पैनल ओपन हो जाएगी। इसे यहां से ड्रैग करके रिसाइज कर सकते हैं। यहां पे कई टाइप के ब्रश अवेलेबल है, इनमें से हम इस लीफ शेप वाले ब्रश को सिलेक्ट करते हैं। यहां से इसकी स्पेसिंग कंट्रोल कर सकते हैं। फ्लिप एक्स ऑप्शन को टिक करके इसे हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर सकते हैं। उसी तरह से फ्लिप वाई ऑप्शन को सिलेक्ट करके इसे वर्टिकली फ्लिप कर सकते हैं। यहां से ब्रश के एंगल को चेंज कर सकते हैं।
और यहाँ से ब्रश की राउंडनेस चेंज कर सकते हैं। अब अगर हम ब्रश से पेंट करेंगे तो इस तरह से पैटर्न बनेगी। इनमें से हम डिफरेंट टाइप के ब्रश को सिलेक्ट करके ट्राई कर सकते हैं इस तरह से। इन सब ऑप्शंस के बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब ऑप्शंस बार पे नेक्स्ट ऑप्शन है मोड। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ब्लेंडिंग मोड अवेलेबल है, इनके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में वन बाय वन डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है ओपेसिटी। 100% ओपेसिटी पे पेंट करेंगे तो ये इस तरह से दिखेगा। फिफ्टी परसेंट ओपेसिटी पे इस तरह से। और 25% ओपेसिटी पे इस तरह से। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।